नमस्कार दोस्तों, हम लोग NBS TGT साइंस 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने कुल 60 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम अपने आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो ये दिया है, ये होता क्या है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जो ये बायो मैग्निफिकेशन होता है, ये DDT और मरकरी जो होता है वो शो करता है बायो मैग्निफिकेशन। सपोज दैट ये वाटर है, इसमें DDT का कंसंट्रेशन 0.003 पार्ट्स पर बिलियन है। फिर इसके बाद इसमें जू प्लैंकटन आता है, जू प्लैंकटन इसमें DDT का कंसंट्रेशन 0.04 PPM है। जू प्लैंकटन के बाद इसमें आता है स्मॉल फिश, स्मॉल फिश में जो DDT का कंसंट्रेशन है 0.5 PPM है। स्मॉल फिश के बाद यहाँ पे आती है लार्ज फिश, यहाँ पे DDT का कंसंट्रेशन जो होता है वो हो जाता है 2 PPM। फिर इसके बाद इसमें आता है फिश ईटिंग बर्ड, तो यहाँ पे DDT का कंसंट्रेशन हो जाता है 25 PPM। तो आप ये देख रहे होंगे जू प्लैंकटन ये होता है प्राइमरी कंज्यूमर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो कंसंट्रेशन है DDT का, वो नीचे से ऊपर जाने पे, टॉप लेवल पे जाने पर बढ़ता जा रहा है। मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, मतलब सेकेंडरी, ये टर्सरी, ये टॉप कंज्यूमर। तो टॉप कंज्यूमर में सबसे ज़्यादा DDT की कंसंट्रेशन होती है। मतलब जो टॉक्सिकेंट है वो टॉप कंज्यूमर के पास सबसे ज़्यादा है। मतलब यही डेफिनेशन जो अभी मैंने बताया, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो आप देख रहे होंगे DDT का कंसंट्रेशन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अब हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है, टॉक्सिक केमिकल इन एनवायरनमेंट पोसेस ग्रेटर रिस्क टू द टॉप लेवल प्रेडेटर देन द प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये ऑप्शन करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, टर्म हीट ऑफ वेपोराइजेशन रेफर टू। पूछ रहा है हीट ऑफ वेपोराइजेशन से आप क्या समझते हो। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब अमाउंट कितनी हीट की दी गई कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड को गैसियस स्टेज में, इसे कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन को। तो पहला, हीट प्रोड्यूस बाय व्हेन सब्सटेंस इज वेपोराइज, तो ये रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन है, डिवाइस यूज फॉर वेपोराइजिंग वाटर, ये भी रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन, अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू कन्वर्ट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड मैटर इनटू द गैसियस स्टेट, तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। अभी हमने बताया कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट, इसे ही कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। अगर सॉलिड कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं फ्यूजन, और अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, और अगर लिक्विड, अभी हमने बताया, गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे कहते हैं वेपोराइजेशन, और अगर गैस दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो एग्जांपल और हम बनाते हैं, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, इसे सब्लिमेशन कहते हैं, और अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसे कहते हैं डिपोजिशन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर बैक्टीरिया रफली, ये स्फेरिकल कह रहा है, तो स्फेरिकल के लिए कौन सा बायोलॉजिकल टर्म डिस्क्राइब करेगा स्फेरिकल बैक्टीरिया के शेप को? कोकस का मतलब ही होता है दोस्तों, कोकस का मतलब ही होता है स्फेरिकल या ओवल शेप। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पूछ रहा है स्फेरिकल शेप को कौन डिस्क्राइब करता। कोकस बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप बैक्टीरिया। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है बैक्टीरिया चेंज दियर शेप एंड साइज, से प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। अगर बैक्टीरिया चेंज कर ले अपने शेप एंड साइज को तो इसे प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। लेंटिफॉर्म का मतलब होता है रॉड शेप बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो पाया जाता है सॉयल में। सॉयल एंड फीदर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसे लेंटी लाइकेनिफॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं। लाइकेनिफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है वो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, पाया जाता है सॉयल में एंड फीदर्स ऑफ द वर्ल्ड। दो एग्जांपल और हम देते हैं, विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप बैक्टीरिया, कॉमा शेप बैक्टीरिया ये विब्रियो का मतलब होता है। स्पाइरिलम का मतलब होता है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टोर्ड ब्लड बिकम्स ब्राउन, जो ब्लड है अगर वो स्टोर है बहुत लंबे समय तक वो ब्राउन हो जाता है, क्यों? चूंकि हम जानते हैं हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन। जो ये हीम होता है इसमें जो आयरन होता है उसमें फेरस स्टेट में होता है। फेरस स्टेट में अगर ब्लड को बहुत लंबे समय तक रख दिया जाए, बहुत लंबे समय तक रखने के बाद जो ये फेरस आयरन होता है ये फेरिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फेरिक स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद जो ये हीमोग्लोबिन है ये कन्वर्ट हो जाता है मेथेमोग्लोबिन में। मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम में जो होता है आयरन वो फेरस स्टेट में होता है, अगर इसको बहुत लंबे समय तक ब्लड को रखा गया है तो जो फेरस स्टेट आयरन होता है वो फेरिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मेथेमोग्लोबिन में। ये मेथेमोग्लोबिन जो होता है वो ब्राउन कलर पिगमेंट होता है जो ब्लड को देता है ब्राउन कलर। ये मेथेमोग्लोबिन आल्सो मेथेमोग्लोबिन इनकैपेबल होता है कैरी करने में ऑक्सीजन को। तो ये हमें पूछ रहा है कि स्टोर ब्लड बिकम्स ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेथेमोग्लोबिन। अब हम समझ लेते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन जो कंबाइन करता है ऑक्सीजन से फ्रॉम द लंग, तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में अभी हमने बताया, इसके दो पार्ट होते हैं हीम प्लस ग्लोबिन। हीम एरिथ्रिन क्या है? हीम एरिथ्रिन क्या होता है? नॉन हीम प्रोटीन होता है, इसके पास कोई भी पोरफायरिन रिंग नहीं होती है। ये पाया जाता है ब्लड ऑफ मैराइन इनवर्टीब्रेट्स में, मैराइन इनवर्टीब्रेट्स में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एन आइडियल क्लोज सिस्टम व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो क्या होगा? इसको हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्वेश्चन सॉल्व कराते समय कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, फिर भी हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए क्लोज सिस्टम, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ द सिस्टम वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट होती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन
इसे कहते हैं हम इलास्टिक कोलिजन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए क्लोज आइडियल सिस्टम, व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो ऑब्जेक्ट नाइदर लूज नॉर गेन एनी मोमेंटम। इसका है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स यूज। तो अब हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है डीएनए लाइगेज। ये कह रहा है डीएनए लाइगेज कट करता है डीएनए को, क्रिएट करता है स्टिकी एंड अदर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हुआ, क्योंकि जो डीएनए लाइगेज होता है वो ज्वाइन करता है। डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, वो ज्वाइन करता है स्टिकी एंड को और बनाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डीएनए लाइगेज का काम कट करना डीएनए को नहीं है, इसका काम है कि ज्वाइन करना स्टिकी एंड को और बनाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, इसको हमने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि अगर डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और अगर एमआरएनए से डीएनए बन जाए तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब प्रोडक्शन ऑफ कम्प्लीमेंटरी डीएनए फ्रॉम द एमआरएनए, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो इसे ही कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब होता है एनालिसिस करना रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज को, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, इसको एनालाइज करके ही कट करता है डीएनए को और क्रिएट करता है स्टिकी एंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। और डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एम्पलीफाई करना है सेक्शन ऑफ डीएनए को, ये भी सही बोल रहा है। और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रीड करता है डीएनए को 3-5 डायरेक्शन में, और न्यू स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होता है वो 5-3 डैश डायरेक्शन में। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोल स्केल का मतलब क्या होता है, मोल स्केल इज बेस्ड ऑन सॉलिड एबिलिटी आर टेंडेंसी टू। अब हम मोल स्केल के बारे में जान लेते हैं। मोल स्केल एक ऐसा स्केल होता है, स्केल ऑफ हार्डनेस यूज टू क्लासीफाई मिनरल। मतलब मोल स्केल जो होता है वो स्केल होता है हार्डनेस का, यूज किया जाता है टू क्लासीफाई द मिनरल। मोल स्केल जो होता है ये रन करता है 1-10 के बीच में, जिसमें एक सीरीज होती है मिनरल्स की, एंड पोजीशन ऑफ स्केल जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन एबिलिटी टू स्क्रैच मिनरल। इसमें 1-10 मिनरल कौन कौन से आते हैं, इसमें टैल्क आता है और जिप्सम आता है, कैल्साइट आता है, एपेटाइट आता है, इसी तरह से क्वार्ट्ज भी इसी में आता है। इसी तरह से 10 मिनरल इसमें आते हैं और ये बेस्ड एक सीरीज होती है मिनरल्स की, और ये स्केल बेस्ड होता है ऑन एबिलिटी टू स्क्रैच द मिनरल। तो स्केल बेस्ड होता है सॉलिड एबिलिटी आर टेंडेंसी टू स्क्रैच आर टू बी स्क्रैच्ड।
इसका है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अरोरा नॉर्दर्न लाइट या सॉदर्न लाइट आर केज इन डायरेक्टली बाई। जो ये अरोरा है इसे कहते हैं नोन एज, अभी बताया नॉर्दर्न लाइट या पोलर लाइट। ये दिखती कहाँ है? ये दिखती है सीन इन स्काई इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जनरली एट हाई एल्टीट्यूड। मतलब ये जो और अरोरा है इसे कहते हैं नॉर्दर्न लाइट या पोलर लाइट। ये सीन होता है स्काई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनरली एट हाई एल्टीट्यूड। इसमें होता क्या अरोरा में? इसमें होता है कोलिजन होता है बिटवीन द गैसियस पार्टिकल जो अर्थ एटमॉस्फेयर में होते हैं, इनका कोलिजन होता है विद चार्ज पार्टिकल जो रिलीज्ड होते हैं फ्रॉम सोलर फ्लेयर। तो इसका मतलब है अरोरा आर केज इन डायरेक्टली बाई सोलर फ्लेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिंक सॉल्ट इज यूज एज डिओडेंट एक्ट्स एज। डिओडेंट का मतलब हम समझते हैं, डिओडेंट का मतलब होता है वो प्रिवेंट करेगा ऑडर को। डिओडेंट के रूप में हम कॉमनली जिंक सॉल्ट यूज करते हैं। जिंक सॉल्ट में भी जिंक ऑक्साइड कॉमनली यूज किया जाता है डिओडेंट के रूप में। डिओडेंट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है ऑडर को और क्या करता है एज वेल एज किल बैक्टीरिया। और ये जो जिंक ऑक्साइड अभी हमने बताया ये डिओडेंट के रूप में यूज किया जाता है, ये एब्जॉर्ब करता है अडर को क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है एंड गेट एब्जॉर्ब स्वेट एंड दस प्रिवेंट द अडर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एंटीबैक्टीरियल एज वेल एज एंटीपर्स्पायरेंट। तो ये करेक्ट हुआ। एंटीपर्स्पायरेंट का मतलब क्या है? यूज किया जाता है यूज टू प्रिवेंट स्वेटिंग। ये जो एंटीपर्स्पायरेंट कंपाउंड होते हैं ये ब्लॉक कर देते हैं स्वेट ग्लैंड को टेम्पोररली और प्रिवेंट करते हैं स्वेटिंग को। और अब हम समझते हैं एस्ट्रिग जेंट का मतलब क्या होता है। ये ड्रॉ करता है वाटर आउट ऑफ द टिश्यू और कॉज करता है टिश्यू को श्रिंक करवाने में। जब ये टिश्यू से वाटर निकाल लेगा तो ये टिश्यू जो होता है वो श्रिंक कर जाएगा, उसे एस्ट्रिंग जेंट कहते हैं। अब हम समझते हैं एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब ये स्टॉप कर दे या स्लो डाउन कर दे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसे एंटीसेप्टिक कंपाउंड कहते हैं। तो जिंक सॉल्ट यूज किया जाता है एंटीबैक्टीरियल एज वेल एज एंटीपर्स्पायरेंट क्योंकि ये जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, एब्जॉर्ब करता है स्वेट को और प्रिवेंट करता है अडर को। तो इस प्रकार दोस्तों अब तक हमने कुल 70 प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।